नमस्कार दोस्तों, भारतीय वरुण न्यूज में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार, मेरे सहयोगी एक साथ हमारे एपिसोड पूछता है महेंद्रगढ़ में। आज फिर से हम एक बार मोहल्ला बागड़ियान में आए हुए हैं। यहाँ पर काफी समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की भी समस्या है, नाले रुकी हुई है, स्ट्रीट लाइट है उसकी भी समस्या है। लाइटें लगाई हुई थी उसको हटा दिया गया था, क्या कारण था, किस कारण से लाइट को हटाया गया था, यहाँ पर कितने व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है। और जो एक मेन बात ये है, ये सड़क देखिए, ये शायद लगभग थोड़ी सड़क है, ये इसको छोड़ दिया गया है, किस कारण छोड़ दिया गया था ये भी हम इनसे एक बार पता करेंगे। बाकी सड़क बता रहे हैं बना दी गई थी, परंतु ये कुछ थोड़ा सा हिस्सा लगभग 100 मीटर कितना है, 150 मीटर हम इनसे पता करेंगे, इतनी सड़क है ये छोड़ दी गई थी, क्या कारण था, किस कारण नहीं बनाई गई थी। हाजी भाई साहब, हाजी भगत जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। ये क्या कुछ मामला है, सड़क वाले बता रहे हैं कि आप छोड़ दिया गया, इनका कमेटी वालों का तालमेल नहीं हो रहा, इसलिए काम किस कारण ये तालमेल तो उनका आपस में नहीं हो रहा, किस चीज को लेकर नहीं हो रहा, कारण तो हम अंदर थोड़ी बैठे, हम तो बाहर से नहीं, किस चीज को लेकर तालमेल नहीं हो रहा भाई। एक तो आगे दूसरे वार्ड की वो हो, पीछे दूसरा वार्ड हो, उसमें मतलब प्यार मोहब्बत नहीं है, इनका बैठ उठ नहीं है, नगर पालिका के पार्षद होगी और चेयरमैन की नहीं, मतलब आपस में मतलब ना एक दूसरे का मतलब विरोध बोलते है, इसे काम होने। तो जैसे कि बता रहे हैं कि नाली बैठी हुई है, स्ट्रीट लाइटें भी ले गए, पिसरों में लगाई गई। हाँ यार, नालियों की व्यवस्था साफ नहीं है और छोटे से एरिया के अंदर एक ब्रेकर होना चाहिए, तो ब्रेकर बने हुए, लाइट की मतलब व्यवस्था नहीं है। कल मैंने ही अपनी पॉकेट से पैसे दे के नाली साफ, आपने खुद अपनी जेब से रुपए दे के नाली साफ करवाई, 3 महीने से एप्लीकेशन लगा रखी है नगर पालिका में। हाँ बताइए, 3 महीने से एप्लीकेशन लगा रखी है नगर पालिका में, किस चीज की, ये नाली सफाई करने के लिए, नाली सफाई करवाने के लिए, जगह जगह ब्रेकर बन रहे हैं, उनको तोड़वा कर जाल बिछाया जाए, बोले हाँ करेंगे, आ जाएंगे 3 महीने हो गए, कल हमने 500 का देके खुद साफ किया, अपने जेब से 500 रुपए ले देकर लोग सफाई करवा रहे हैं, परंतु नगर पालिका के कर्मचारी होते हैं वो सफाई करते हैं, क्यों नहीं करते वो सफाई, क्या रीजन, उनका कोई रीजन नहीं है, बस आते हैं एक कसिया मार देंगे, भाई हो गई हो गई, हम तो बैठ गए, सफाई का कारण ये भाई साहब, सीधा हाथ हिलाते हैं हम, एक तरफ से आप कोरोना महामारी की दूसरी लहर भयंकर तरीके से विकराल रूप धारण किए हुई है, और इसी विकराल बीमारी में अगर सफाई नहीं होती है तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और क्या क्या कुछ समस्याएं हैं आपके वार्ड में, ट्यूबलाइट एक दिन जस्ते 6 महीने बंद हो जाती है, क्यों, क्या कारण है उसका, क्या रीजन है, हमें क्या पता, ध्यान नहीं देता, एक दो दिन में जैसे ही फल सुबह को, और अंधेरा रहता है मोहल्ले में, अंधेरा पूरे मोहल्ले में अंधेरा रहता है, एक ट्यूबलाइट है उधर देख लिया, एक ट्यूबलाइट है, कोई मकान किसी के मकान के बाहर नहीं, उसके सारे काम चल रहा है, एक तरीके से क्या पता किसके सारे चल रहा है, नहीं सब अपने अपने अंदर बैठ जाते हैं, 10-11 बजे तक चस्ती है, उसमें सबके बंद हो जाते हैं, अंधेरा ही हो जाता है, एक तरह मतलब लास्ट फाइनल 11 बजे है, 11 बजे के बाद कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल चोरी हो जाए मोहल्ले में, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और ना सीवर है, हमारी गली में सीवर नहीं है, सब जगह पूरे वार्ड में सीवर, क्या सीवर नहीं, आपकी गली में 4 साल से सीवर की पर्ची भी कटी हुई है इनकी, 4 साल से सीवर की पर्ची कटी हुई है, 3 एप्लीकेशन लाड़ी के लिए लगा चुके हैं, हमारी जेब से 500 रुपए कल सफाई करवाई है, मतलब अपनी मन मर्जी करता है जी, पूरा मोहल्ला सबके रात थाट बात कर रखे हैं, अपने अपने सब अपनी अपनी बदमाशी दिखाते हैं जी, शांति प्रिय काम हुए ये काम सबको करने आते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी बदमाशी दिखाते हैं, वो कहता है मेरा राज, वो मेरा राज, ये मेरा राज, ये मेरा ब्रेक कर, वो तेरा ब्रेक कर, वो मेरी नाली, वो तेरी नाली, और पीछे के लोग परेशान हो जाते हैं, नगर पालिका करे क्या, तुम खुद ही अपने मुद्दे में उलझे हुए, तुम्हारा खुद सपोर्ट करती है, जब तो ये पनपते हैं, ये पनपते कैसे हैं जी, नगर पालिका को शिकायत लगाई जाती है तो ये पीछे जाके बात कराते हैं, नगर पालिका सुनवाई क्यों नहीं करती, ये जाके उनको रोकाते हैं कि जी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढेंगा कर लेंगे, धमकड़ा कर लेंगे, मतलब नगर पालिका का काम है, प्रशासन का काम है सबकी सुनवाई करे, ना कि एक पर्टिकुलर आदमी की, एक फायदे के चक्कर में 20 का नुकसान हो रहा है तो एक को फायदा हो रहा है, क्यों वो आप समझ सकते हो, राजनीति कैसे चलती नहीं चाहिए, बिल्कुल जी, हाँ जी, तो क्लियर बात यही है कि अपना अपना फायदा देखते हैं सब लोग, दुनिया जाए बाद में, किसी को फायदा हो चाहे किसी को नुकसान हो, सब अपनी अपनी मतलब अपनी राजनीति है, अपना राज्य तो अपने ठाक बाटे अपनी चला रहे हैं सब, जिसका मन करा उसकी करवाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो सीवर की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, सड़क की प्रॉब्लम, जैसे हर तरीके से प्रॉब्लम, बल्कि यहाँ के लोग खुद की सफाई करवाते हैं, नाले की कर्मचारी है नगर पालिका की, वो यहाँ सफाई करने के लिए भी नहीं आते, आज क्या कुछ
प्रॉब्लम है, कई बार कह दिया पर कोई कल सुनाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही है, पता नहीं क्या कारण है, तो हम तो क्या बताएं। आप आपके मोहल्ले के जो पार्षद है उनसे मिलो जाके इस बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। कई बार कह दिया की हमारी ट्यूबलाइट लगवाओ जी, तो कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हो, लगवाऊंगी ऐसे कह देती है। फिर हम ज्यादा बोलो जी, 5 साल हो गए, कब लगवाओगे? 5 साल हो चुके, शायद उनको नींव रुद्ध बनाया गया था। फिर क्या कहें, तो जैसे तार थी, तार यहाँ से हट गई, ऊपर चले गई, अब हम भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो व्यक्ति हम इनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करें, क्या कुछ समस्या, हम रोड के बारे में भी एक बार बातचीत करेंगे। ये हमारे मतलब वार्ड नंबर 3 से आता है और जी 10 साल हो गए, ये गुंडागर्दी है सरासर। कमेटी जी वहाँ की मरोजी जी है जी, वहाँ कंप्लेंट करते हैं, वहाँ कोई प्रेजेंट नहीं मिलता और ना इस पे आज तक कोई कार्रवाई हुई। और आज अगर मैं आपको देखो, मतलब ये 13 फुट जगह है यहाँ से मेन गेट, और आप देखो ये कितनी है चौड़ाई इसकी, ये तो जी जगह कहाँ गई। 13 फुट तो नहीं है जगह, तो 13 फुट है, मेरे पास रिकॉर्ड है इसका, रिकॉर्ड में 13 फुट होगी जी, वैसे 13 फुट में नहीं है। रजिस्ट्री है 2016 तक का, मैं आपको इसका जो हम हाउस टैक्स भरते हैं वो रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। तो ये रोड का क्या कुछ मामला, रोड का काम का कारण ये वार्ड मेंबरों की खिंचातान है, कुछ भी नहीं है जी, ये वार्ड मेंबरों की खिंचातान है, इसी के कारण आपको परेशानी हो रही है। 10 साल हो गए, ये बेचारा विकलांग आदमी है, हर रोज रात को इसको दूसरे आदमी कोई धक्का लगाए तो घर पहुंच पाता है, वरना घर नहीं पहुंच सकता है बंदा जी। 10 साल से ऐसे बंदे बहुत है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं। फिर जो आपके पार्षद साहब से आपके बात चली, क्या कह रहे हैं पार्षद साहब, क्या कह रहे हैं इस बारे में? पार्षद क्या कहेगा, पार्षद वहाँ कमेटी कहेगी, कमेटी का प्रधान कहे, उनकी आपस की नहीं मनी। 10 साल हो गए, उन लोगों ने आज तक कोई विकास का कार्य किया इधर वार्ड में? जो ट्यूबलाइटें लगी आज तक, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके मोहल्ले की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है, जो आपकी परेशानी है, दिक्कत है, कोई नहीं सुनने वाला महेंद्रगढ़ में। पूरे शहर की है, मेन रोड है ये, यहाँ से यहाँ तक ये 10 साल हो गए, आज तक इस रोड के ऊपर काम नहीं चला, वोट नहीं देते उनको, 1000 से ऊपर वोट है इस वार्ड के। फिर आप इस बारे में एक बार विधायक साहब से तो मिले ना? विधायक से कहाँ मिले, विधायक तो कभी चंडीगढ़ गए, कभी वो गए, कभी सतनाली गए, इन काम के लिए जो कमेटी है प्रधान है, किस लिए बनाते हैं? जब कमेटी काम नहीं करती तो आगे विधायक से वार्ड मेंबर करे, हम विधायक के पास क्यों जाए वोट मांगने? नगर प्रधान आता है या वो महिला वार्ड से आती है? विधायक साहब नहीं आते वोट मांगने, विधायक क्या करेगा आके, यहाँ उसको जरूरत नहीं है वोट की, विधायक को वोट की जरूरत नहीं है, नहीं है उसको जरूरत, तभी तो ये पड़ा है कि विधायक को वोट की जरूरत होती तो काम करवाता, क्यों नहीं करवाया उसने? तो नगर पालिका नहीं कर रही तो आगे और शिकायत करो ना, आगे कई रास्ते हैं, कई जगह शिकायत कर सकते हैं। जब हम शिकायत वार्ड मेंबर और वो प्रधान किस लिए बनाते हैं हम? फिर हम उनको वार्ड मेंबर प्रधान ही काम नहीं करते, जब वार्ड मेंबर और प्रधान ही काम नहीं करते तो शिकायत आगे तो कर सकते हैं। चलो नगर पालिका भी तो आगे तो शिकायत कर सकते हैं ना, मुद्दों के लिए विधायक के पास जाएंगे, विधायक मिलता है ऐसे, आपको ही पता है सब चीजों का। अभी तो आप बोल रहे हैं जी हम अपनी जेब भरे यहाँ पर सफाई करवाते हैं, और अभी आप नहीं, अभी आप इनको छोटे मुद्दे बता रहे हो, अभी तो आप बता रहे हो पानी की, नाली की, लाइट की, सड़क की, हर तरह की परेशानी है, और अभी आप कह रहे हो कि छोटे मोटे मुद्दे हैं ये। तो ये मुद्दे छोटे, देखो अगर गली मोहल्ले के हिसाब से देखा जाए तो बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन इनको रेगुलर करना चाहिए, रखा है इसको बड़ा, कोरोना बड़ा मुद्दा कर रखा है इसको, बड़ा मुद्दा होया पड़ा है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बड़ा मुद्दा बनेगा, कोई बड़ा काम थोड़ी ना ये, क्या नाली साफ करना कोई बड़ा काम है, लेकिन इसको बड़ा बनाया जा रहा है अपने, मतलब नहीं करवाना तो एक पैज होती है ना कि नहीं करवाते हम, तो जाओ हमारा कुछ करना कर लेना, मतलब राजनीतिक वो है अपने पावर है तो हम उसका मिस यूज करेंगे, कोई हमारा क्या कर लेगा, तो नहीं होते सब लाइन ऑर्डर है, लाइन ऑर्डर कोई नहीं है, सब अपने अपने गार्ड में कर रहे हैं।